जनवानी के समूह संपादक यशपाल सिंह को दिया गया डॉक्टर किशन चंद गुप्त सम्मान 2023। डॉक्टर किशन गुप्त स्मृति न्यास दिल्ली ने आयोजित किया कार्यक्रम। दैनिक जनवानी के समूह संपादक यशपाल सिंह को मुजफ्फरनगर में डॉक्टर किशन चंद गुप्त सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर किशन चंद गुप्त के स्मरण में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर उमाकांत शुक्ल रहे, जबकि समारोह अध्यक्ष डॉक्टर बीके मिश्र रहे। समारोह को संबोधित करते हुए यशपाल सिंह ने कहा कि डॉक्टर किशनचंद गुप्ता स्मृति न्यास दिल्ली द्वारा जो सम्मान उन्हें दिया गया है वे उसके आभारी हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य एक साधना है जो मन से आती है। साहित्यकारों का मिजाज फकीरी होता है, परंतु आजकल कुछ साहित्यकारों ने इसे प्रोफेशन बना दिया है। डॉक्टर गुप्त ऐसे ही फकीरी मिजाज के साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य को साधना बनाया था। आज ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने समारोह में मौजूद साहित्यकारों का आह्वान किया कि वह जो भी रचना लिखते हैं उसे आज के परिवेश के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग साहित्य का रसपान कर सकें। मुख्य अतिथि डॉक्टर उमाकांत शुक्ल ने कहा कि साहित्य कार्यों में सादगी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने डॉक्टर किशनचंद गुप्त के सम्मान समारोह को होटल में आयोजित किए जाने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सम्मान समारोह यदि किसी शैक्षिक संस्था में आयोजित किया जाता तो श्री गुप्त को बेहतर श्रद्धांजलि दी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि साहित्य में सादगी की आवश्यकता होती है, नेकी दिखावे की। आजकल के साहित्यकारों को अपने साहित्य रचना के लिए प्रकाशित कराने पर जो धन्यवाद साहित्यकों द्वारा प्रेषित किया जाता है उस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि असली साहित्यकार वो है जिसकी रचना प्रकाशित करने के लिए अखबार या मैगजीन के लोग उनके पास पहुँचें। साहित्यकार की रचना को अखबार या पत्रिका में प्रकाशित करना अखबारों पत्रिकाओं के लिए गौरव का विषय होता है। समारोह को विशिष्ट वक्ता मधुर नागवान, डॉक्टर अमित धनम सिंह, सुनील कुमार शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर किशनचंद गुप्ता ऐसे साहित्यकार थे जिनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। उन्होंने डॉक्टर किशनचंद गुप्त के जीवन काल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किशनचंद गुप्त ने साहित्य को न केवल सींचा है बल्कि साहित्य की उपासना की है। डॉक्टर गुप्त ने मुजफ्फरनगर में रहते हुए साहित्य को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम का शुभारंभ बीके मिश्रा, डॉक्टर उमाचंद शुक्ल, यशपाल सिंह द्वारा गुप्ता के फोटो पर माल्यार्पण कर व पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस दौरान राजकुमार रागी, सुनील कुमार शर्मा, वाणी सचिव डॉक्टर अमित धर्म सिंह, श्री चंद्र सोच, मधुर नागवान, डॉक्टर केडी कौशिक, डॉक्टर प्रदीप जैन, नेमपाल प्रजापति, सुशीला जोशी, राकेश कौशिक, संतोष शर्मा, कमल त्यागी, निहार रंजन, राजकुमार शर्मा, डॉक्टर वीना गर्ग, प्रिंस मंडावर, सविता वर्मा, परमिंदर सिंह, अखिलेश, अनुमोहन जोशी, कंचन पाल, लोशनलाल वर्मा, कीर्ति राजन, शिव कुमार समन्वय, अश्वनी खंडेलवाल, किशोर दयाल गुप्ता व ब्रज सिंह आदि उपस्थित रहे। मंच पर आसीन सभी आदरणीय जन, सभागार में मौजूद सभी स्कूली जनों को मेरा प्रणाम, सभी मीडिया साथियों को प्रणाम मेरा। और सबसे बड़ी बात ये, जो भी अभी तक वक्ता रहे हैं, जिस आदत से, जिस स्नेह से और जिस गहराइयों से उन्होंने गुप्त जी को याद किया है, इतनी बड़ी शख्सियत के नाम पर मेरा नाम जूरी द्वारा प्रेषित करना, प्रस्तावित करना और जो बाकी लोग हैं उन द्वारा उस पर स्वीकृति की मोहर लगा देना, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, उस बड़ी शख्सियत, उस सितारे जैसी शख्सियत के आगे मैं जुगनू जैसा शख्स इस अवार्ड के काबिल नहीं हूँ। लेकिन आपने जो मान सम्मान, जो बढ़तन दिखाया, मैं अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ। जो आयोजन कमेटी है और जो सभी जो लोग बैठे हुए हैं, ये साधु लोग हैं, साधु नहीं जो साहित्यकार है वो, मैं हमेशा कहता हूं उसमें फकीरी बसती है। जो शब्द है
रूटीन में सब इस्तेमाल करते हैं, सब रोजमर्रा में करते हैं। किसी को 1 लाख रुपए दीजिएगा, कहेंगे भाई चार लाइन लिखो, कविता लिख दो, सब पे नहीं आती। जो बाजीगर और जो कलाकार हो गए हैं बड़े, वो पैसा भी कमा रहे हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा आप सब, लेकिन ये जो खामोशी से इस सफर में रहना और रचना धर्मिता के नाम पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना, ये मेहर ऊपर से बरसती है। और आप खुश नसीब हो कि आप शब्दजीवी हो, और जो माँ सरस्वती की अनुकंपा है उसने आपको चुना है। इस तक अभी जब कप्तान को विकेट नहीं मिलता, वो पार्ट टाइम बॉलर अजमाता है कुछ भी, वो विकेट ले जाता है, तो मैं कोई, मुझे भर्म नहीं, मैं कभी नहीं हूँ। तो कभी कभी मन कहता है, मुझे पिछले जनवरी फरवरी मार्च अनिद्रा का शिकार हुआ, मैं मुझे नींद नहीं आई। मैंने ईश्वर से कहा कि नींद तो छीन सकते हो, जीत थोड़ी छीन लोगे। मैंने इस दौरान, आप विश्वास करेंगे, जब मैं देखता था पत्नी को, मुझे बेटा है उसको, मैं, यार ये कितनी बढ़िया नींद ले रहे हैं और मेरी नींद कहाँ चली गई। तो मैंने इसको ईर्ष्या भाव से रचना भाव में बदल दिया अमित जी, और मैंने इस दौरान 84 कविताएं लिखी इन 3 महीनों में। तो वो पता नहीं, वो तो मन के उद्गार हैं। और जैसा कहा भी मधु जी ने कि भाई कविता कविता ही होती है, वो मर्म वो, तो मैं कोई साहित्य शास्त्री नहीं हूँ, और प्लीज़ मुझे माफियों के साथ मैं कुछ सुना रहा हूँ, है ना। और तालियां बजा दीजिएगा, संपादक खुश होगा, मतलब जो है ठीक है ना, ये मुझे भी लगेगा कुछ मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, प्लीज़। भर जाने हैं जख्म, भर जाने हैं जख्म, वक्त ही मरहम है। भर जाने हैं वक्त जख्म, वक्त ही मरहम है, और सुना है लौट आएगा, सुना है लौट आएगा, खिला खिला मन है। सुना है लौट आएगा, खिला खिला मन है, और बरस गए दरिया पे ये बादल बेरहम है। बरस गए दरिया पे ये बादल बेरहम है, और तू मत बदल देख, तू मत बदल देख, बस छोटी सी अरज है, बस तू मत बदल देख, छोटी सी अरज है। और भर जाने हैं जख्म, वक्त ही मरम है। और एक और लाइन, मुझसे गिले शिकवे, मुझसे गिले शिकवे, यानी दिल में हम हैं, मुझसे गिले शिकवे, यानी दिल में हम हैं, और ये बरस गए दरिया पे ये बादल बेरहम है, ये बादल बेरहम है। बस एक और कविता सुनाऊंगा, कुछ गिले नहीं है, कुछ गिले नहीं है, बस हम मिले नहीं है, कुछ गिले नहीं है, बस हम मिले नहीं है, और धूप कुछ कम सी, धूप कुछ कम सी, गुल खिले नहीं है, धूप कुछ कम सी, गुल खिले नहीं है, और उदासी पसर गई कोई खुशी नहीं है, उदासी पसर गई कोई खुशी नहीं है, और किताबों में तलाशे फूल मिले नहीं है, किताबों में तलाशे फूल मिले नहीं है, और घर में ही अजनबी, घर में ही अजनबी, खुद से मिले नहीं है, घर में ही अजनबी, खुद से मिले नहीं है। और आखिरी लाइनें हैं, भरम ही सही मेरा, भरम ही सही मेरा, वो इतने बुरे नहीं है, भरम ही सही मेरा, वो इतने बुरे नहीं है, और कुछ गिले नहीं है, बस हम मिले नहीं है, बस हम मिले नहीं है।